Hello and welcome to Android Development Advanced Course Lecture Number 10, Developing Internal Database in Android. So, SQLite basically structured query database, open source, lightweight, no network access and a standalone database ka kisi bhi aur different databases ya unki libraries ke saath koi billing nahi. It support embedded relation database features. Ye embedded relation database features ko support karte hain, basically jinme tamam tables, tamam rows, tamam column aapas mein ek dusre ke saath embed hue hote hain, kisi ko support kar rahe hote hain, unka aapas mein koi relation bhi hota hai. Jis tarah aap yahan apni screen pe jo picture dekh sakte hain ki insert karna hai, update karna hai, delete ya koi query karni hai, to wo tamam cheeze aap ek hi database ke saath kar sakte hain. Aapko alag alag sabke liye databases banane ki zarurat nahi hai. Ab hum databases ke kuch features dekhenge ki kin kin features ko, jo basic uske char CRUD operation hai, create, read, update and delete. To hum un charon ki functionalities dekhenge, kis tarah se unhe define karte hain, kis tarah se use karte hain. To start karte hain add user ke saath. यहाँ एड यूजर के फंक्शन में फॉर एग्जांपल मैंने दो वैल्यूज यूजर्स की स्क्रीन से नेम और पासवर्ड ले लिया और उन दोनों को एक स्ट्रिंग में सेव करवा दिया. अब यहाँ पे मैंने चेक करवा दिया कि अगर इन दोनों में से कोई भी एम्प्टी है तो यूजर की स्क्रीन पे एक मैसेज दिखा देंगे जी इस एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में, लाइक इस मेन एक्टिविटी का रेफरेंस देते हुए कि दोनों चीजें आप ऐड करना जरूरी है. अगर तो दोनों एम्प्टी नहीं है, अगर एल्स में जाते हैं तो लॉन्ग आईडी में हेल्पर डॉट इंसर्ट डेटा T1 and T2. अब ये जो हेल्पर है ये बेसिकली डेटाबेस हेल्पर का एक ऑब्जेक्ट है जो हमने अपनी पिछली क्लासेस में पिछले लेक्चर्स में हमने डिफाइन किया था कि हम डेटाबेस हेल्पर की एक क्लास बनाते हैं जिसमें हम बेसिकली ये सारी क्यूरीज को हैंडल करते हैं, डेटाबेस के कनेक्शन को हैंडल करते हैं, उसके क्रेड में जो जो क्यूरीज लानी होती है हम उन्हें हैंडल करते हैं. अब आप यहाँ देख रहे हैं कि इंसर्ट डेटा में मैंने वैल्यूज पास कर दी T1 और T2. इंसर्ट डेटा बेसिकली मेरा डेटाबेस हेल्पर में मैंने एक फंक्शन डिवाइड किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है, जिसमें कुछ क्यूरीज लगी हुई है कि जो इन वैल्यूज को लाके लेके जाके नेम और पासवर्ड के अगेंस्ट डेटाबेस में सेव कर देता है. अब यहाँ पे कुछ कंडीशन है कि अगर आईडी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है तो इंसर्शन सक्सेसफुल होगी और नेम और पासवर्ड में वैल्यूज सेट होगी है. अदरवाइज इंसर्शन तब भी हुई है और नेम और पासवर्ड में वैल्यूज तब भी सेट होगी है कि अगर आईडी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है या इससे बड़ी है तब भी ये कंडीशन दोनों हाल में चली है. फिर इसी तरह हमारे पास व्यू डेटा का फंक्शन है कि मैंने मैसेज में तमाम डेटा जो कि मैं इस हेल्पर के गेट डेटा के फंक्शन से लेकर आ रहा हूँ. अब यहाँ पे मैंने हेल्पर का गेट डेटा का फंक्शन कॉल किया. हेल्पर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मेरे डेटाबेस हेल्पर के एक ऑब्जेक्ट है जिसमें मैंने इन तमाम क्यूरीज को पहले से हैंडल किया हुआ है, तो वो तमाम डेटा लाकर मुझे स्ट्रिंग के वेरिएबल में रखवाया और मैंने उस तमाम डेटा को उस मैसेज में लाकर पास कर दिया. इसी तरह अपडेट गए कि दोनों मैंने फिर अगेन यूजर से उसके ओल्ड और न्यू दोनों वैल्यूज लिए और दोनों वैल्यूज को चेक किए. अगर तो वैल्यूज एम्प्टी है तो एंटर डेटा का मैसेज, अदरवाइज अगर तो वो वैल्यूज एम्प्टी नहीं है तो मैंने क्या किया हेल्पर का अपडेट नेम का फंक्शन यूज किया. अब यहाँ पे सिर्फ हम नेम अपडेट कर रहे हैं, सिनेरियो में याद रखिएगा पासवर्ड अपडेट नहीं कर रहे, सिर्फ हम नेम को अपडेट कर रहे हैं. तो क्या किया यहाँ पे उन दोनों वैल्यूज को मैंने जो U1 और U2 थी जिसको हमने यहाँ U1 और U2 में कॉल किया था उन दोनों को अपडेट नेम के फंक्शन में भेज दिया. और उसी तरह जैसे हमारे पास फर्स्ट टाइम में पासवर्ड और वो चीज हुई थी. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, अब यहाँ पे पहले तो दोनों सिनेरियोज में डेटा इंसर्ट होता है लेकिन अपडेट के केस में अगर तो आईडी लेस देन इक्वल टू 0 है तो डेटा अपडेट नहीं होगा, वो डेटा अनसक्सेसफुल ही रहेगा. लेकिन अगर वो आईडी ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में हमारा जो डेटा है जो नया रिकॉर्ड है वो अपडेट हो जाएगा. ये तमाम होगा हेल्पर में उस अपडेट नेम का फंक्शन जिसमें हमने क्यूरी पहले से हैंडल की हुई है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है डिलीट का फंक्शन जिसमें बेसिकली हमने क्या किया यूजर से एक नेम ले लिया और नेम चेक किया. अगर नेम एम्प्टी है तो यूजर को एक मैसेज दिखा दिया कि एंटर डेटा. अगर नेम एम्प्टी नहीं है तो हेल्पर में हमने पहले से जाकर एक डिलीट का फंक्शन बनाया हुआ है जिसमें हमने डेटाबेस की कनेक्टिविटी भी की हुई है, डेटाबेस का रेफरेंस भी दिया हुआ है, क्यूरीज भी मेंशन की हुई है. तो उन्हीं क्यूरीज से बने एक डिलीट के फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया और उसमें मैंने यूजर नेम जो मैं यूजर से लिया था वो मैंने यहाँ पे पास कर दिया. अगेन चेक हुआ कि अगर आईडी लेस देन 0 है लाइक अगर उसको उसकी डेटाबेस में रिकॉर्ड नहीं मिला तो वो उसे एक अनसक्सेसफुल का मैसेज दिखा देगा. लेकिन अगर उसे वो रिकॉर्ड मिल जाता है तो वो क्या करेगा उस एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट के रेफरेंस पे रहते हुए उस एक्टिविटी पे रहते हुए उस डेटा को डिलीट कर देगा. उससे रिलेटेड जो भी डेटा होगा डेटा सेट में, चाहे उसमें नेम है, पासवर्ड है या कोई भी अदर वैल्यूज है, वो तमाम वैल्यूज डिलीट हो जाएंगी. ये सब काम हमारा होगा, ये बेसिकली हमारा काम था मेन एक्टिविटी का, जावा फाइल का. इसके अगेंस्ट हम कुछ एक्सएमएल भी डिफाइन करते हैं जिसमें हम फॉर एग्जांपल कुछ बटन्स बना देंगे, कुछ टैग्स, कुछ इनपुट फील्ड बना देंगे और ये तमाम काम हमारे उस डेटाबेस
हेल्पर की क्लास में होगा, जिसमें हमने पहले से जाकर डेटाबेस की कनेक्टिविटी भी की थी, डेटाबेस के रेफरेंसेस भी दिए थे, उनमें अपनी क्यूरीज भी मेंशन की थी, क्रड की चारों क्यूरीज, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और व्यू की क्यूरीज भी मेंशन की थी, और उनसे अगेंस्ट फंक्शंस भी बनाए हुए थे। तो उन्हीं फंक्शंस को यूज करते हुए हमने अपने इस एप्लीकेशन में अपने क्रड को परफॉर्म कर दिया। तो आई गेस हमें स्टेप तक क्लियर है कि किस तरह से हम डेटाबेस में अपने क्रड्स को परफॉर्म करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।